हेलो सनमून एंड राइजिंग कैपिकॉन वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट ये आपकी मिड मार्च की एनर्जी रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपको मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो लगती है क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए वर आर द मैसेजेस फॉर यू मिड uh, मार्च से लेकर एंड ऑफ द मंथ तक ओके फर्स्ट कार्ड आपके लिए है डेथ कार्ड ओके ओके फर्स्ट कार्ड इज डेथ कार्ड What are other messages for Capricorn for uh, mid month, mid for uh, March, ready, Okay, what are other messages for uh, Capricorn? What are other messages for Capricorn for mid March? Okay, so here yeah, have two uh, Seven of Swords, hai, nine of uh, Swords, hai, and one more card I want. One more card I want. This is another card. Okay, nine of Pentacles. एंड अंडर में आपके पास है सिक्स ऑफ वॉन्स ओके सो यहाँ पर आपकी मिड uh, मन की एनर्जी क्या रहेंगी आप एक साइकिल को एंड करना चाहते हैं पेनफुल साइकिल को हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ब्रेकअप uh, सिचुएशन में ऑफ़र करने की कोशिश की हो क्या एंड या फिर कोई आपको ऑफर करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया ठीक है आपको किसी ने ऑफ़र किया अपना कप ऑफ लव अपोलोजी uh, ऑफर की किया कुछ भी लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया आपने नो no इंटरेस्ट शो किया ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है लेकिन अब जो है आप बिल्कुल स्टेप बैक वाली एनर्जी में आ चुके हैं कि आप फील करें कि आपको हर तरफ से धोखा मिला है लाइक जि, uh, like, uh, जिसके लिए आपने उस पर्सन को छोड़ा हो सकता है उस वहाँ से आपको धोखा मिला या फिर लाइक uh, like, यहाँ पर आपको एक लाइक uh, एंडिंग like, um, वाली एनर्जी में अब आप जो है इस पेनफुल साइकिल को एंड करना चाहते हैं आप अगर ब्रेकअप में भी थे उस पर्सन के साथ और वो आपको अपोलॉजी ऑफर कर रहे थे लेकिन आपने जस्ट नाराज़गी में उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन अब जो है आपको फ़ील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता जा रहा है आपके लिए और अब आप एक विक्ट्री चाहते हैं उस पर्सन के साथ आप रिय आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं आप उस पर्सन के हवाले से कुछ रियलाइज़ करें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके अंदर जो कि आप किसी को कह नहीं रहे हैं बट आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और हो सकता है लाइक like, अपने दिल दिल में आप प्लान कर रहे हो कि उस पर्सन के पास आपको जाना है उस पर्सन के साथ जो है आपको दोबारा से एक नया स्टार्ट करना है बट आप, आप में हिम्मत नहीं है या तो स्टेप uh, लेने की आगे और अगर कोई प्रोसेस है तो वो स्लो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं बट वेरी स्लोली आप अभी बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना चाह रहे हैं क्योंकि जो भी रियलाइज़ आपको हुआ है उस पर्सन के हवाले से आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है वो बदलाव शायद आपको खुद भी नहीं पता या आप किसी को बताना ही चाह रहे कि आप अंदर अंदर जो है बहुत ज़्यादा याद करें उस पर्सन को और एक ऑफर करना चाहते हैं अगेन स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ स्टेबली होना चाहते हैं सो लेट्स के क्या मैसेजेस हैरवैनजिल की तरफ से आपको गाइडेंस क्या मिल रही है इस सिचुएशन में एंड ऑफ द मंथ में आप मुझे लगता है कि ऑफ़र कर रहे हैं उस पर्सन को या फिर उस पर्सन की तरफ से कोई ऑफर मिल सकती है आपको बट स्टेबिलिटी एकदम से नहीं आएगी स्लो प्रोसेस रहेगा या रिकन्सिलिएशन समन फ्रॉम योर पास इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ कोई है जो पास सब वापस आ रहा है आपकी लाइफ में लेकिन आपको केयरफुल होकर के रहना है क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें लाइम में भी आ सकती हैं कुछ रियलाइजेशन बहुत से झूठ लाइम लाइट में आ सकते हैं और फिर आप जो अपने पर्सन से रिकन्शन के हवाले से के बारे में सोच सकते हैं और रिकन्सिलेशन uh, यस yes. uh, और उस पर्सन को ऑफर कर सकते हैं हीलिंग फैमिली इशूज़ यू लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉर गिव योर पेरेंट्स मे भी यहाँ पर कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो आपको पहले अपने फैमिली इशूज़ को हील करना होगा उसके बाद जाके ही आपको कोई खातिर ख़्वा इस सिचुएशन में बेहतरीन नज़र आ सकती है अगर फैमिली का कोई इशू अगर आपके आपकी फैमिली आपके पार्टनर के साथ है तो उस ईशू को सोल्व करें कोई फैमिली इशू है जिसको आपको सोल्व करना है तो जाके आपकी ये जो भी प्रोसेस है इसमें या तो थोड़ी स्पीड आ सकती है या फिर बेहतरी आ सकती है सो लेट्स सी कि यहाँ आप पर आपके लिए आउटकम लाइक सिचुएशन क्या है इस इसकी आउटकम सिचुएशन क्या हो सकती है कि या तो आपने जो भी छुपाया अपने पार्टनर से झूठ बोला वो शायद लाइम में आ जाए और फिर आप जो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें और फिर आप अपने पर्सन के पास दोबारा जाएँ चीज़ों के बेहतर होने के लिए दोबारा से आप कोशिश करने लग जाएँ अपने पार्टनर से ये भी सिचुएशन हो सकती है ओके तो इस सिचुएशन का आउटकम क्या है प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन ओके यहाँ पे कोई आ, बहुत ज़्यादा इग्स्टिक है या स्टैंड ले रहा है अपने लिए या कोई फादर फिगर बहुत ज़्यादा प्रामनेेंट हो सकती है अगर फैमिली इशूज़ हैं तो यहाँ पर फादर के साथ कोई क्लैश हो सकता है या फादर के मामला हो सकते हैं फाइनेंशियल मामला हो सकते हैं प्रॉपर्टी मामला हो सकते हैं उनको डील करना होगा इसके अलावा जस्ट आपकी ईगो जो है ये भी हो सकता है कि आपको अपनी ईगो को छोड़ना होगा अगर आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं अपने पर्सन से आम, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रहे हैं अपने लिए कि आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट उस पर्सन के साथ करनी है ओके या चेंज बदलाव चेंज ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बदलाव आ रहा है चेंज आ रहा है लव लाइफ बेनिफिट होगी आपकी यस लव लाइफ जो है आपकी वो स्टेबल uh, हो सकती है एक म्यूचुअल बॉन्ड आप उस पर्सन के साथ फील कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में सो दैट वाज योर रीडिंग इफ ड रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट ब्लो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग